तो 6 फरवरी को रियल मी ने लॉन्च किया रियलमी C3, जो बहुत ही इनक्रेडिबल फ़ोन है अपनी प्राइस रेंज में। 7000 के प्राइस में वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन है, जिसमें आप पबजी तो बहुत ही आराम से खेल सकते हैं, लेकिन वेट 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 है, रेडमी का रेडमी 9 इससे कम नहीं है। तो आज के इस वीडियो में लोग कंपेरिजन करने वाले हैं इन्हीं दो फोन्स के बारे में। ही व्यूवर्स की हाल चल, तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं कौन इन दोनों में से फ़ोन बेस्ट है। अगर बात करते हैं प्राइसिंग के ऊपर, कौन सा फ़ोन जीतता है और कौन सा फ़ोन हारता है, किस मामले में फ़ोन ज़्यादा अच्छा रहने वाला है रेडमी का और किस मामले में रियलमी का फ़ोन अच्छा रहने वाला है, तो अगर आप इंटरेस्ट हो ना तो प्लीज़ वीडियो को टिल द एंड देखना। लेकिन हो सकता है आप बहुत लोग बोलेंगे भाई रेडमी 9 तो लॉन्च नहीं हुआ, तो आपको स्पेसिफिकेशन कहाँ से मिल गया, कैसे आप वीडियो बना सकते हो। लेकिन भाई बहुत सारा स्पेसिफिकेशन लीक हो चुका है, जिसके बेसिस पे हम लोग कंपेरिजन आज करने ही वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ वीडियो को टिल द एंड देखना, बहुत ही कमाल का कंपेरिजन होने वाला है। 7000 के फ़ोन के साथ में रियलमी का C3 आता है और उसी के अराउंड रेडमी 9 आने वाला ही है। तो चलो ना वीडियो स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट बखलोली के, नाउ लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स रियलमी के टक्कर में रेडमी हमेशा एक ऐसा फ़ोन लॉन्च करता है जो इसके टक्कर का हो और इससे बहुत सारे मामले में बेटर हो। तो रियलमी का C3 लॉन्च हो चुका है, जो 7000 के प्राइसिंग में बहुत ही कमाल का फ़ोन है, बड़ी बैटरी के साथ में हीलियो G70 प्रोसेसर है। लेकिन 11 फरवरी को एक नया धमाका करने वाला है शाओमी, लॉन्च करने वाला है रेडमी 9A और 9, ये दोनों फ़ोन लॉन्च होने वाला है। लेकिन आज के इस वीडियो में कंपेरिजन करेंगे रियलमी C3 वर्सेज रेडमी 9 के बारे में। रेडमी 9 के अंदर आपको मिलने वाला बहुत ही कमाल का स्पेसिफिकेशन, वीडियो को प्लीज़ टिल एंड देखना, स्किप मत करना। तो फ्रेंड्स बात करते हैं डिस्प्ले के ऊपर, तो दोनों फोन में आपको मिलने वाला है वाटर ड्रॉपलेट नॉच वाला डिस्प्ले, 6.62 इंचेस का डिस्प्ले देखने को मिलता है रियलमी C3 के अंदर, जो एक 720p वाला डिस्प्ले है। अब यहीं पे बात करें रेडमी 9 के बारे में, जिसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया जाएगा, फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले होने वाला है, जो 6.5 का होने वाला है, 6.5 से 6.6 का भी डिस्प्ले होने वाला है, लेकिन फुल HD प्लस वाला होगा, वाटर ड्रॉपलेट नॉच के साथ में आएगा। बात करते हैं रियलमी C3 के सेल्फी कैमरे को, तो 5MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है और वहीं पर रेडमी 9 में भी आपको 5MP का देखने को मिलने वाला है। लेकिन मेजर इंप्रूवमेंट के ऊपर बात करें तो बैक कैमरा बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया गया है। रियलमी C3 में आपको देखने को मिलता है 12+5MP का बैक कैमरा, और वहीं पर रेडमी 9 के बारे में बात करें तो इसमें मिलने वाला है 13+5MP का कैमरा, जो बहुत ही अमेजिंग बात है, थोड़ा ज़्यादा बेटर होने वाला है। बात करते हैं मेजर स्पेसिफिकेशन के ऊपर, तो फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको बैक साइड में देखने को नहीं मिलता है रियलमी C3 के अंदर, लेकिन फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर रेडमी 9 में आपको देखने को मिलने वाला है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं बैटरी के ऊपर, तो बैटरी आपको 5000 mAh का देखने को मिलता है रियलमी C3 के अंदर, जिसमें आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, ये थोड़ा डाउनग्रेड है। अभी फास्ट चार्जिंग अगर दे देते हैं तो ज़्यादा बेटर होता, मेरे हिसाब से फास्ट चार्जिंग आपको इस फोन में देखने को नहीं मिलता है। अगर मैं रॉन्ग हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कर देना, इसका अच्छा से मुझे डिटेल सामने नहीं मिला है, लेकिन ज़्यादातर आपको इसमें फास्ट चार्जिंग देखने को शायद नहीं मिलता है। यहीं पर बात करें रेडमी 9 के अंदर, तो इसमें आपको डेफिनेटली फास्ट चार्जिंग देखने को मिलने वाला है टाइप सी पोर्ट के साथ में, और फास्ट चार्जर आपको बॉक्स में ही देखने को मिलेगा 18 वॉट का, कंफर्म हो चुका है। तो कुछ इस तरह का बेसिक स्पेसिफिकेशन सामने आया है। अब बात करते हैं प्रोसेसर के ऊपर, जो बहुत ही वैल्यू रखता है एक फ़ोन के लिए, तो रियलमी C3 में आपको देखने को मिलता है मीडियाटेक का हीलियो G70 प्रोसेसर, जिसका एंटीट्यू स्कोर बहुत ही कमाल का आया है। तो वहीं पर बात करें एंटीट्यू स्कोर के ऊपर, तो रियलमी C3 का एंटीट्यू स्कोर आया है 1,95,000 समथिंग, जो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा स्कोर आया है। तो 7000 के फोन के रिगार्डिंग बात करें तो ये स्कोर बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है, मतलब पबजी जैसे गेम, कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम फोन्स के अंदर आप बहुत ही कमाल और बिना किसी फ्रेम ड्रॉप का मज़ा उठा सकते हैं। तो यहीं पे टोटली गेम चेंज हो जाता है। रेडमी 9 के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है मीडियाटेक का हीलियो G80 प्रोसेसर। जी हाँ फ्रेंड्स, मीडियाटेक का ये लेटेस्ट प्रोसेसर है जो आपको रेडमी 9 के अंदर देखने को मिलने वाला है। प्राइसिंग के ऊपर बात करें, अब डिस्कस करते हैं क्या प्राइसिंग के ऊपर दोनों फ़ोन लॉन्च हुआ है और लॉन्च होने वाला है। रियलमी C3 लॉन्च हुआ है 6999, 3GB रैम वेरियंट वाला, और 4GB रैम वेरियंट 1000 ऊपर है। अब बात करते हैं रेडमी 9 का कितना प्राइसिंग हो सकता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्राइसिंग यहाँ पे। 8000 के प्राइसिंग में आपको देखने को मिलने वाला है 4GB वाला वेरिएंट रेडमी 9 का, जो मेरे हिसाब से बहुत ही अमेजिंग बात है। तो जैसा कि आपने देखा, 7000 में आपको 3GB रैम वेरियंट मिलता है रियलमी C3 के अंदर, और अगर आप 1000 ऊपर मिला लेंगे तो रेडमी 9 आपको मिल जाएगा 8000 के प्राइसिंग में। लॉन्च होने वाला है ये फ़ोन, मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो कुछ इस तरह का बेसिक स्पेसिफिकेशन सामने आया है ये दोनों फ़ोन का, मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है। तो साफ साफ वीडियो में जाता है रेडमी का 9, जो मेरे सबसे प्रोसेसर के मामले में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंटीट्यू स्कोर जब सामने आएगा तो मैं अपने कम्युनिटी टैब में पोस्ट कर दूंगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा ना तो इस वीडियो को एक लाइक ठोक के जाना, क्योंकि
लाइक तो बनता है ना, क्योंकि आपके लिए वीडियो मैं बनाता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस मंथ के अंदर मुझे 300 सब्सक्राइबर करना है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ हमारे चैनल को 300 सब्सक्राइबर तक पहुँचा दो। इतना बड़ा फैमिली हो जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है। 30,000 पे हम लोग एक Q&A करने वाले हैं, तो प्लीज़ 30,000 तक पहुँचा देना, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन में भी क्लिक करना मत भूलना, वरना सब्सक्राइब कर लोगे कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करना, कोई भी सवाल हो जाओ तो इस वीडियो में कमेंट करना, मैं आपका रिप्लाई 100% दूंगा। तो चलो अब एक रैंडम कमेंट पिक करते हैं और देखते हैं आज का सवाल किसको जाता है भला। तो फ्रेंड्स, आज का सवाल जाता है आदित्य तिवारी को। तो अगर आप भी चाहते हो मेरे वीडियो में ऐसे फीचर होना, तो इस वीडियो में छोटा सा कमेंट करना, हो सकता है कल की वीडियो में ऐसे ही आपका नाम हो। ठीक है व्यूअर्स, मिलते हैं अपने ऐसे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।